देखिए बच्चों, आप सर के क्लास में स्वागत है। देखिए लिमिट की ना जो क्वेश्चन है, तीन टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, चाहे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्जाम में देखते हैं। तो जब ऐसा दिया हो, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव दिया हो, एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव दिया हो, लिमिट लिमिट देता है एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, और आपको दे दे बच्चों थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स बटा में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस सात, एक ये क्वेश्चन दे दे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछता है लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव थ्री एक्स क्यू प्लस पाँच एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस सात बटा में टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन। तीसरा बच्चों पूछता है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव फाइव एक्स स्क्वायर, देखिए विद इन सेकेंड, एक सेकेंड में उड़ाएंगे, तो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स प्लस एट बटा में थ्री फाइव एक्स क्यू प्लस छ एक्स प्लस नाइन स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री, ऐसा बच्चों दिया है तो उत्तर कैसे लिखते हैं बच्चों। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो देखते ही उत्तर लिखिएगा, पाँच बाई थ्री इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बच्चों, जब करते हैं तो इन्फिनिटिव और इसका आंसर होगा जीरो आंसर होगा। तो आप क्या समझे, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना लिमिट में तो ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, जब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव दिया हो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव दिया हो, और जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक या मान लीजिए ये एक्स क्यू देकर एक्स स्क्वायर ऐसे कर दे, हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर एक्स के ज़्यादा पावर, हाईएस्ट पावर देखना है, उधर से मतलब नहीं, क्यूबिक इक्वेशन हो, त्रिघात हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात हो, उससे मायने कुछ नहीं रखता है। हमको ऑब्जर्व क्या करना है, हमको ऑब्जर्व करना है कि हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर दोनों में बराबर है, हाईएस्ट पावर दोनों में बराबर है, तो जो आगे अंक रहता है ना कॉफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट हाइयर पावर के माने एक्स क्यू रहता, नीचे भी एक्स क्यू रहता, सेम पावर रहता, तो उसके आगे वाला अंक उत्तर होता है, उसका कॉफिशियंट उत्तर होता है तीन और बटा में पाँच, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट लिख देंगे ऊपर, ओ सॉरी थ्री भाई फाइव ऊपर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट थ्री और बटा में एक्स स्क्वायर फाइव का कॉफिशियंट, फाइव कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर का नीचे लिख देंगे उत्तर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आए एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव तो जो पावर मैक्सिमम एक्स के पावर का कॉफिशियंट रहता है अगर बराबर हो, जैसे एक्स स्क्वायर तो जो आगे रहता है ना एक्स स्क्वायर के ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, इधर से मतलब नहीं है, आंसर हो जाता है। उसी तरह देखिए अब क्या करेंगे कि जब ऊपर वाला पावर ज़्यादा हो, हाईएस्ट पावर देखना है, नीचे एक्स स्क्वायर है दो पावर है ऊपर ज़्यादा है, तो हमेशा ऑलवेज आंसर इन्फिनिटिव होता है, हमेशा आंसर क्या होता है बच्चों इन्फिनिटिव होता है, जब ऊपर का पावर क्या हो ज़्यादा हो, ऊपर का पावर क्या हो ज़्यादा हो, क्यों होता है अभी रीजन बताते हैं। अगर क्यों जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें कि इलेवेंथ में कैसे पढ़ते हैं, क्यों होता है, क्यों का कारण आपको बताया जाएगा। उसी तरह बच्चों अगर नीचे का पावर ज़्यादा हो, नीचे का पावर ज़्यादा हो, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, नीचे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, अगर नीचे का पावर ज़्यादा हो तो हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। तो तीन टाइप के आप समझे, तीन टाइप के क्वेश्चन समझे कि अगर पावर बराबर हो, पावर बराबर हो, पावर बराबर हो, हाईएस्ट पावर, तो उसके आगे जो अंक रहता है ना, जो अंक रहता है तीन बटा पाँच, वही उत्तर हो जाता है। जब ऊपर का पावर ज़्यादा हो तो बनाना ही नहीं, इन्फिनिटिव होगा हमेशा, नीचे से ऊपर का पावर ज़्यादा हो, तीन टाइप के बनते हैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में, तो ऊपर का पावर ज़्यादा हो तो हमेशा इन्फिनिटिव उत्तर लिख देना, अगर दोनों का पावर में नीचे वाला ज़्यादा हो तो जीरो लिख देना। ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल पर ट्रिक भरा हुआ है, जाकर पढ़े और वहां से फाइनल सिलेक्शन ले। अब देखिए बच्चों अब क्यों होता है ऐसा, तो देखिए जब हम इलेवेंथ में थे तो हमको बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, क्या करते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, इसको तो समझा देते हैं कि इन्फिनिटिव कैसे हुआ। देखिए अगर हम
इसको समझा देते हैं, तब आपको समझाते हैं इलेवेंथ वाला रूल। तो क्या करते हैं कि यहाँ जब होता है ना, तो पावर बराबर करने के लिए हम जीरो एक्स क्यू लिख सकते हैं बच्चों, जीरो एक्स क्यू लिख सकते हैं। अरे जीरो जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं है, और जीरो में एक्स क्यू गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं है, पावर बराबर हो गया। तो तीन बटा जीरो लिखेंगे तो बटा में किसी के जीरो रहता है ना, ऊपर कुछ भी हो अंक, तो इन्फिनिटिव हो जाता है, इसलिए इन्फिनिटिव हो गया, इसलिए इन्फिनिटिव हो गया। अब यहाँ पावर बराबर करना हो तो ऊपर एक्स क्यू लाना है, तो जीरो एक्स क्यू लाएंगे क्योंकि जीरो एक्स क्यू से कोई अंतर नहीं है, तो दोनों पावर बराबर हो गया, तो जीरो बटा पाँच, जीरो बटा पाँच। आ किसी के बटा में ना ऊपर जीरो है तो जीरो, नीचे पाँच, आ जीरो के बटा में कुछ भी लिखे ना कुछ भी अंक तो जीरो होता है, इसलिए ऐसे हो गया। अब समझते हैं कि जो ये ऐसे क्यों हो रहा है उत्तर, तो ऐसे इसलिए होता है बच्चों कि देखिए कारण देखिए क्या है, हमको इस टाइप में बताया जाता है कि हम क्या करेंगे कि हाईएस्ट जो पावर रहता है ना उससे सब में भाग दे दीजिए ऊपर नीचे, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में सबसे ऊपर और नीचे भाग दे दीजिए, या क्या करें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो इसके बटा में एक्स चल जाएगा, इसके बटा में एक्स स्क्वायर नहीं है तो या भाग दे दीजिए, बात बराबर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए या भाग, तो हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं अंश और हर में, तो हमारा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, एक्स स्क्वायर से सब में भाग देंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस छः बटा में एक्स लिख देते हैं ऊपर वाला में, आ बड़ा बटा ये बटा, आ बटा में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस सात, आ बटा में एक्स ले भाग देंगे, नीचे भी एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे हाईएस्ट पावर, जिसे एक्स क्यूब रहता ना तो एक्स क्यूब से भाग देंगे, हाईएस्ट जो पावर रहता है एक्स का घात उससे भाग दिया जाता है ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी भाग देंगे नीचे भी। तो अब अलग अलग करते हैं, तो यदि अलग अलग करेंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स बटा एक्स प्लस छः बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सबके बटा में जाएगा, बटा में हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस सात बटा एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, इतना हमारा हो जाएगा, जब भी भाग देंगे तो इतना तो हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मरा, एक्स से एक एक्स, तो एक एक्स बचेगा नीचे, यहाँ तो कटेगा नहीं, ये मर जाएगा, ये एक एक्स है एक्स, तो हमारा फाइनल क्या बचा बच्चों, एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, और ऊपर बचा थ्री प्लस पाँच बटा एक्स प्लस छः बटा एक्स स्क्वायर, और नीचे बचा पाँच प्लस छः बटा एक्स प्लस सात बटा एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए यही मार देते हैं उत्तर, देखिए यही बच गया, और ये सब जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, अरे जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव रखेंगे तो पाँच बटा इन्फिनिटिव जीरो होता है, किसी के बटा में इन्फिनिटिव हो तो जीरो होता है, कितना भी बटा में जीरो, अरे पाँच बटा इन्फिनिटिव लिखेंगे तो आंसर होता है जीरो, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटिव का मतलब होता है इन्फिनिटिव होता है एक बटा जीरो, तो यहाँ पाँच बटा में एक बटा जीरो रखेंगे तो जीरो ऊपर जाएगा, जीरो बटा एक तो जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो होता है, किसी के कुछ के बटा में इन्फिनिटिव रहेगा ना, इन्फिनिटिव बटा में रहेगा तो जीरो होता है, एक्स बटा इन्फिनिटिव लिख दे जीरो, कुछ भी यहाँ दे दे कुछ भी, अब बटा में इन्फिनिटिव हो तो जीरो, तो जब इन्फिनिटिव मान रखेंगे यहाँ बटा तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये बचा कौन जो हाइएस्ट पावर वाला है, इसीलिए हाइएस्ट पावर वाला क्या करते हैं आंसर देते हैं। तो ये रहा बेसिक के साथ साथ कंसेप्ट, अगले क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, के साथ आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।